मोहब्बत के रास्ते में आने वाली दीवारों और तूफानों से बहुत डर लगता है। डरते हो? हाँ, हम तूफान में गिर गए तो? तो जान दे देंगे। हाँ, अब हम दोनों में से जान कौन देगा? अमित प्लीज, मेरी नहीं तो बीजान की तो बात मान लें। अभी बीजान को नहीं मालूम कि मैंने ये फैसला क्यों किया, लेकिन तुम्हें मालूम है, इसलिए प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। हेलो हेलो माँ। आदाब माँ, तुमने आंसल का दफ्तर देखा है ना? जी, एक दफा आमिर ने दिखाया था। तुम वहाँ चली जाओ, मैंने आसिम से बात कर ली थी, वो तुम्हारी मदद करेगा। थैंक यू आपी। घर में और सब तो खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। बीजान, अक्का भी, जरमीना, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, और जो नहीं भी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। तुम महज चली जाना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरमीने, आभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन होते हुए आप ये हरकत करेंगे। क्या किया मैंने? आप आसिम को मेरे खिलाफ चढ़ा रही थी। तुम होश में तो हो जरमीने? होश में कैसे रहूं? मेरा शौहर मुझसे लड़ने के सिवा बात ही नहीं करता। स्टडी में अपनी रातें गुजारता है, मेरे बगैर खाना खाता है, मैं कमरे में बंद हूँ, मेरा तो किसी को ख्याल नहीं, यहाँ सब सिर्फ आप है, आप। लीना, जो कदम तुम उठाना चाहती हो ना, उससे तुम्हें ही नुकसान होगा। मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। जाइए, सबको बता दीजिए, सबके सामने कह दीजिए कि मैं लंदन जा रही हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, मैं सबके सामने कह दूंगी कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से। मीना, बड़ी दुल्हन, आमिर मियाँ जरा सी बात छोटी दुल्हन को दलाक देने पर खड़े हो गए। तुमने उन्हें समझाया था या नहीं? जी बीजान, मैंने समझाया था, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहती। और वो नहीं समझे होंगे, है ना? जी बीजान। नाराज हो गए होंगे कि तुम उस लड़की के बारे में क्यों कह रही हो जो तुम्हारी सौगंध है। जी, और तुम्हारा सर फखर से बुलंद हो गया होगा, तुम्हारे सीने में ठंडक पड़ गई कि वो एक औरत जो तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान आ गई थी, खुद बखुद हट गई। हम क्या कह रही हैं बीजान? हम ये बता रहे हैं बड़ी दुल्हन कि आमिर मियाँ को मालूम नहीं कि ये जुर्म किसने किया था, लेकिन हम अपनी आंखें खुली रखते हैं। उस रात हम सोए नहीं थे। कंगन चोरी करके तुमने बहुत बुरा खेल खेला है। आदाब बीजान। आमिर मियाँ, जरा वो हाँ, यकीनन तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम होगा, लेकिन जो बात हम कहने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बैठो। सुना है छोटी दुल्हन को तुमने तलाक का नोटिस भेज दिया? जी। हमारे मना करने के बावजूद तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाकर महाबुल घर लेकर आओ। बीजान, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम उसको कंगन चोरी करने के इल्जाम में तलाक दे रहे हो ना, तो सुनो, कंगन छोटी दुल्हन ने नहीं बड़ी दुल्हन ने चोरी किया है। आभी? अभी ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारे सामने एतराफ कर चुकी हैं। बस ये नहीं बताया कि उन्हें क्या जरूरत थी कि कंगन चोरी करने पर। जाओ जाकर उनसे पूछो उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जाओ 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 ऐसा क्यों किया? आपको आपको बीजान ने बता दिया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुमने बीजान के कंगन क्यों चुराए और वो महा तक कैसे पहुंचे? आमिर, मैं महा की मदद करना चाहती थी। जरार उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इससे पहले भी उसने आपके पैसे, अपना जेवर, सब कुछ उसको दे दिया था। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? मैं जानती थी, फोन पर मैंने बात सुनी थी कि उसका शौहर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। क्यों? इसलिए कि वो उसे उसका बच्चा छीनना चाहता था। उसने उसको धमकी दी थी कि अगर उसने रकम पूरी ना दी तो वो आपको सब कुछ बता देगा। और तुमने ये नहीं चाहा कि मुझे ये सब कुछ पता चलता? नहीं आमिर, मैंने सिर्फ इसलिए दिए थे कि उसका बच्चा उससे छीना ना जाए, उसको परेशान ना करे। तुमने अच्छा नहीं किया अभी। हाँ, मैंने गलत किया, मगर मेरी समझ में और कुछ नहीं आया, इसलिए मुझसे गलती हो गई। आप मुझे मेरी गलती की सजा दे दें, मगर महा को उसकी मजबूरी पर तलाक तो मत दें। कंगन तो और भी बन सकते हैं। मगर मैं ऐसी औरत तो नहीं रख सकता जो पहले से शादीशुदा थी और बच्चे की मां थी। ना शादीशुदा होना जुर्म है और ना बच्चे की मां होना। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने अपना घर बसाने के लिए सच को छुपाया। उसे एक शौहर तलाक दे चुका है। तलाक देना कौन सा मुश्किल काम है एक मर्द के लिए? जबानी तो हिलानी होती है, जरा सी बात पर बगैर समझे बूझे। प्लीज आमिर, ऐसा मत करो। उसके लिए मिन्नतें मत करो आबी, मैं नहीं मानूंगा। जब मैंने बीजान की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कैसे मानूंगा? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेज जमीने आसिम बात कर रही हूँ। मुझे आपकी रेजिडेंट गायनोकोलॉजिस्ट से बात करनी है। जी, आप बात करिए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मुझे एक्चुअली एक फुल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, जल्द से जल्द जी, कल शाम 7 बजे। ठीक है, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। क्या चाहती हो तुम? जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? बहुत बड़ा तूफान आएगा सरी। तूफान वादे और दावे झूठे निकले, तूफान तो आ चुका है। जी सर, तूफान अभी नहीं आया। जब तूफान आएगा तो ना तुम रहोगी ना मैं। धमकी दे रही हो? इतला दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा एतमाद खोकर तुमने अच्छा नहीं किया। जैसे तुमने बहुत अच्छा किया ना, ये सब कुछ दिखावा था, धोखा था, झूठ। और तुम बोलो,
हमारी आवाज यहां से बाहर निकली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आने वाली तबाहियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुम मुझे धमकियां दे रहे हो और मैं धमकियां सुनने की आदी नहीं हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो कभी भी इस घर में दोबारा दाखिल नहीं हो सकोगे। बिल्कुल चुप ना बैठो। कब आ गए क्लास मुंह से निकाला तुमने यार? आपने कहा था कि मम्मा के बाल लेके जाएंगे। हाँ हाँ मैंने कहा था, कहा था ना तेरी माँ को, मैं झूठ बोला था मैंने। वो आपसे ज्यादा अच्छी है। हाँ हाँ मुझसे बहुत अच्छी है, पता नहीं क्या ढूल के पिला दिया तेरी माँ ने तुझे। चुप करके बैठो वहाँ। मुझे याद ही है, मुझे मम्मा के पास लेके चलो। पागल हो गई हो क्या? तमाशा बनाओगी? लोग क्या कहेंगे? हमें उस जाजे बहुत याद आ रहा है और वो वहां रह भी नहीं सकता। बेटा वो वहां खुश होगा। अम्मी वहां खुश नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो खुश नहीं ना तो उसको इतना परेशान करेगा कि उसको पता चल जाएगा। सबर करो, वो खुद ही छोड़ जाएगा। अम्मी वो बहुत कमीन आदमी है, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। ये देख कर करके तो तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। कभी किसी की बात मानी है तुमने? आबी ने तुम्हें कहा था ना कि आसम से जाके मिल लो, मगर तुम नहीं गई। 2 बजे से 10 मरतबा फोन कर चुकी हूँ, अभी तक ऑफिस नहीं आया वो। तो बेटा अब आ गया होगा ना। देखो वहां कोर्ट के जरिए अगर हम बच्चे को लेंगे ना तो वो कुछ नहीं कर सकता, वरना तमाशा बनाएगा। मुझे तो डर लगता है कहीं आमिर। मैं आमिर से खुद ही बात कर लेती। नहीं बेटा, पहले आबी से पूछ लो, लगता है वो बाकी हमारे कुछ काम कर लेंगे। आबी को फोन करो। हेलो हेलो मुझे मेरी गलती की सजा दे दें, मगर माँ को उसकी मजबूरी पर तलाक क्यों आते हैं? हमारे मना करने के बावजूद छोटी दुल्हन को तुमने तलाक की नोटिस दे दी। जाओ जाकर माँ घर ले। मेरा एतमाद जो तबाह हो गया, इतना बड़ा धोखा दिया गया मुझे, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो, हाँ आसिम, तुमने तलाक का दूसरा नोटिस तैयार कर दिया? जी भाई, अभी तक तो नहीं बनाया। मैं ऐसा करता हूँ, आपसे शाम में बात करूँगा। जी असल में मुझे बहुत काम है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। थैंक्स, खुदा हाफ़िज़। सर आपसे खतून मिलने आई है। क्या नाम है? गोल्डन लेके आओ। नहीं थैंक यू। आप पैसे ना मिल जाए।
आपने ये सब कुछ क्यों छुपा लिया था? इसलिए कि अगर पहले बता देती तो नोटिस बहुत पहले आ चुका नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं होता। आप मुझे तफसील बताएंगी? हाँ, अब तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वैसे भी झूठ तो रिश्तों में बोला जाता है, और अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। शायद मैंने आपको भाभी कहा है अभी, इसका मतलब है हमने अब भी रिश्ता कहा है। लेकिन वो नोटिस तो अब नहीं आएगा। अभी आप ऐसा करें, इस वकालतनामा पे दस्तखत करते हैं, मैं सुबह ही केस फाइल करके जरार को समान भिजवा दूंगा। अरे मेरे बच्चे, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है बेटा? मामा, आप मुझे बहुत याद आ रही हो। आप प्लीज यहाँ आ जाओ, या मुझे अपने पास लंदन बुलवा लो प्लीज। आ जाऊंगी। तुम खुश तो हो ना? मामा बस मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज यहाँ आ जाए जल्दी से। अच्छा सुनो, मेरी आबी से बात करो। मामा वो नहीं है, वो इस वक्त नहीं है, आप उनसे बाद में बात कर ले। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मेरा दिल इस घर में नहीं लगता, मैं लंदन आना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे लंदन बुलवा ले। तो आ जाओ ना बेटा, आसिम से कहो कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आ जाए। ओ मामा, उसे फुर्सत कब मिलती है? आप प्लीज पापा से बात कीजिए और मुझे प्लीज टिकट भेजे। टिकट तो आसिम भी ले सकता है। नहीं मामा, मुझे नहीं चाहिए। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। देखो बेटा, तुम्हें रहना तो वही है, वही दिल लगाना है, लेकिन मैं आबी से रात को फोन पे बात करूंगी कि वो तुम्हें। मामा, अगर आपने आबी से बात की ना और उन्होंने आपको मना किया, तो आपने उनको डांटना है, वो मुझ में बहुत रोब जमाती है। अरे आप, उसने अगर मेरी बच्ची को कुछ कहा ना तो मैं उसे बहुत डांटूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मामा पापा को प्लीज मेरा सलाम देना। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम हाफिज जी, कैसे? आदाब बीजान। बदल लीजिए और लॉन में आ जाइए, बीजान इंतजार कर रही है। मैंने चाय नहीं पी। आमिर मियां, इस घर का सारा निजाम बदलता जा रहा है, तुम हमारे पास आने की बजाय ऊपर आ गए। बीजान आप जिद करती कि मैं महा को ले आऊं, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्या बड़ी दुल्हन ने कंगन चुराने का इतराफ नहीं किया? यकीनन ये भी यही चाहती होंगी कि महा को तलाक दिला दे। जान, मैं महा को कंगन की चोरी पर तलाक नहीं दे रहा। आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? हैरत तो इसी बात की है कि सब कुछ हमारी नाक के नीचे होता रहता है और हमें पता तक नहीं चलता। आप बीजान बैठे, मैं बताता हूँ आप। नहीं नहीं, हम ठीक है, बताओ। बीजान, हमसे झूठ बोला गया था, धोखा दिया गया है। महा तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ है। अब बताइए मैं क्या करूं? तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। महा, अरे अम्मी आप कहां चली गई थी? बुबू के यहां गई थी, वो बहुत सब बीमार है, लेकिन उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। हाँ ये बताओ, आसिम मिला? जी मिले थे, कह रहे थे कल केस फाइल कर देंगे, और ये भी कि तलाक का दूसरा नोटिस नहीं आएगा। शुक्र है,
दो चार दिन गुजरने दो, फिर तुम आमिर से बात करना। इस तरह ला ताल्लुक रहने से बात बिगड़ सकती है। जाजिया भी उसे भेजते हैं, हम बात साइकिल चला रहे हैं। बेटा जासिब तो घर पे नहीं है। कहाँ गया है? वो अपनी आंटी के यहाँ गया। तो कब आएगा? बेटा दुआ करो कि जल्दी आ जाए। आंटी जब वो आ जाए तो उसे भेज दियो, मेरे पूछो नई साइकिल लाए वो दिखानी है। अम्मी क्या बच्चे पे सिर्फ बाप का हक होता है, माँ का नहीं? जो उसे पैदा करती उसे पालती। बेटा क्यों नहीं ताल्लुक होता? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तकलीफ उठा के बच्चों को माँ से अलग नहीं करते, क्योंकि माँ बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। कुलसुम आपी के बच्चे को देखो, वो मियाँ से अलग हो गई है लेकिन बच्चे उसके पास है। तुम्हें ना जाने ये मनुष्य कहाँ से मिल गया था। अच्छा आबी को फोन करके पूछो घर के हालात क्या हैं, आमिर का क्या इरादा है। आसिम ने तो कहा है कि, अरे आसिम को क्या पता, आबी से पूछो। मैं वहां फोन नहीं करूंगी। अगर अगर किसी को मालूम पड़ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह की कसम बीजान, मैंने जो कुछ भी किया था इस घर की बेहतरी के लिए किया था। बेहतरी के लिए झूठ नहीं बोले जाते बुबू। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने झूठ नहीं बोला था। हाँ ये था कि आपको कुछ बताया नहीं। झूठ की एक नहीं कई किस्में होती हैं बुबू। ना सिर्फ तुमने हमसे झूठ बोला बल्कि धोखा भी दिया। बीजान मैंने जो किया है मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। माँ की अम्मी ने मुझसे तो कहा था कि उसका पहला शौहर बच्चे को लेके मुल्क से बाहर चला गया है, जो सच्ची बात थी वो मैंने बता दी। भी जानती हमारा तो कोई भी ठिकाना नहीं है, यहाँ से भी चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम आपसे ये कहते हैं हमारा कहा सुना माफ़ कर दीजिएगा बीजान, हमारी तो नेकी भी हमारे गले पड़ जाती है, हम किसी के साथ नेकी नहीं करेंगे, कसम खाते हैं बीजान। अरे अरे बुबू कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहा हम कहीं भी चले जाए। बुबू हमने आपसे घर छोड़ने को तो नहीं कहा है। आप तो दुनिया छोड़ने को कह रही है बीजान, ये मेरे बस में कहा? कैसी बातें करो बुबू, बैठो। बीजान ने ये नहीं कहा है। बीजान ने जो कुछ भी कहा है ना वो मरने के लिए काफी है। वैसे मैं बहुत ढीठ हूँ, इतने बड़े बड़े पहाड़ टूटे मुझ पर मगर मैं नहीं मरी। बीजान बीजान ने माफ कर दे। बुबू एक बात सुन ले, दुनिया को सच बहुत बुरा लगता है लेकिन हमें पसंद है। अल्लाह कसम बीजान मैं तो खामखा नक्को बन गई। आज माँ की अम्मी आई थी, मैंने उनसे बात तक नहीं की। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ ईमान से बीजान। भाई दुल्हन भाभी ठीक कहती हैं, छोटी भाभी वाकई मजबूर थी। मजबूर तो वो बाद में हुई थी आसिम, लेकिन झूठ उन सबसे उस वक्त बोला गया था जब शादी हो रही थी। ये उनकी बेवकूफी थी, मगर भाई आपको क्या पता कि उनकी क्या मजबूरियां थी। तो वैसे भी हमारे यहाँ ऐसी लड़कियां सारी जिंदगी माँ के घर गुजार देती हैं। सारे आसिम ये मेरा मसला नहीं है कि उनके क्या मसाइल थे, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे धोखा दिया गया है। मेरे घर से चोरी पैसे और जेवर करके उसने अपने शौहर को दिए, और अपने शौहर से वो उस वक्त मिली जब वो मेरी बीवी थी। भाई आप ये पॉइंट निकाल रहे हैं, आपको भी मालूम है कि वो कैसे और किस वक्त उनसे मिली थी। मैम फैसला बदलने का आदि नहीं हूं, और वैसे भी बीजान ने कह दिया है कि उसे तलाक दे दो। आपने बीजान को बता दिए? छुपाने वाली कौन सी बात थी भाई, अगर आप चाहते तो छुपा भी सकते थे। तलाक का नोटिस तैयार करो, मैंने उसे कल भिजवाना है। भाई प्लीज आप कुछ दिन और सोच लें, शायद कुछ। तुमने नोटिस तैयार करना है तो करो, वरना शहर में और बहुत से वकील हैं।
अल्लाह, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अच्छी दुल्हन, बीजान आपकी खैरियत पूछ रही हूँ। क्यों, मुझे क्या हुआ है? वो आप नीचे नहीं आ रही, इसलिए तुमको अदाब करना होता ना, तो मैं नीचे आई थी, उनसे अदाब कर लिया था, अब उनके सामने मैं वॉक भी करूं? नहीं, वो बस पूछ रही थी। अक्का भी, मैं लंदन जा रही हूँ। कब कब जा रही हैं आप लंदन? बहुत जल्द। आसिम ही अभी साथ जा रहे हैं? मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। मुझे ये नीचे, आप प्लीज जाएं। अक्का भी प्लीज। क्यों आई है मीना? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम लंदन नहीं जा रही। वो तो मैं जा रही हूँ, और वैसे भी मैं अपना कोई गलत फैसला ठीक कर सकती हूँ। मेरे मामा को फोन करके बता दिया है कि मैं लंदन आ रही हूँ। भाभी आप जाएं, इसका तो दिमाग खराब हो गया। एक मिनट, आप कहाँ जा रही हैं? आपने वो तमाशा नहीं देखना जो आपने शुरू करवाया? देखो, तुम मुझे मजबूर ना करो, घर को नफरत के काबिल बना दिया तुमने। ये घर तो नफरत के काबिल है, और तुम बस बस इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं कहना तुम। मैं लंदन जा रही हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जाना है तो जाओ। भाभी, भाभी आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। आसिम, मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। मैं क्या करूंगा? मुझसे प्यार से बात करो, प्यार से समझाओ। वो किसी की बात सुनने को तैयार हो तो समझाओ ना। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तुम अभी जाओ, वो परेशान बैठी होगी। ठीक है, ठीक है, मैं जाता हूँ। आप क्या कह रही हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो किसी से नहीं सुना कि अच्छी दुल्हन लंदन जा रही है। बीजान, अच्छी दुल्हन ने हमसे खुद कहा था। खुद कहा? अरे कुछ और कह रही होंगी, आप गलत समझी। बीजान, अब हम इतने भी बावले नहीं है कि कोई कुछ कहे और हम कुछ सुने। आसिम मियां, अच्छी दुल्हन इतने दिनों से नीचे नहीं आ रही है, क्या बात है? वो बीजान असल में वो ठीक नहीं है। अरे भाई, इसमें लंदन जाने की तो कोई बात नहीं है। बस वो पागल है ना। उसकी अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर क्या क्यों नहीं लेके जाते हो? बीजान, वो आप तो इससे खुश होंगी, असल में लेकिन बाबली तुम नहीं, बाबले तो हम हो गए। यानी हमारे इतने तो समझ में ही नहीं आया कि बात क्या है, हम खुद जाते हैं। बीजान, वो आप अक्का भी को भेज दें, वो नीचे आ जाएगी खुद ही। आसिम मियां, प्लीज बीजान। अरे बेटा, तुम लोगों को भी खुशियां छुपानी खूब आती हैं। तबीयत उनकी बहुत दिनों से खराब है और हम अच्छी तरह जानते हैं, अब भी हम लेके आते हैं। बैठो, देखो अच्छी दुल्हन से कहना किसी किस्म की कोई बेहतियाती ना करें, और उनकी गोद धराई की रस्म अब हम सातवें महीने में करेंगे। अरे जरूरत ही क्या है इसकी, जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। आसिम ने बीजान को बता दिया? अरे अच्छी दुल्हन, बड़ी देर से बताया, अब वो तो खुद आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रही थी, लेकिन आसिम मियां ने मुझसे कहा कि मैं जाके आपको बुला लूंगा। ना उन्हें ऊपर आने की जरूरत है और ना मैं नीचे जाऊंगी। आसिम चाहे पूरी दुनिया को बता दे, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी, और मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब आप जाएं यहां से। क्या बात है, मुंह क्यों बना रहे हो? मैं ऐसा
खाना नहीं खाता है, उसको मेरे से बहुत है। अच्छा चलो ऐसा करो, ये थोड़ा पानी पी लो। मैं बेटा आप जैसा भी है खा लो, है पेट भर जाएगा आपका। फिर मैं अपने बेटे को शाम को घुमाने लेकर चलूंगा, ठीक है? पापा मेरी छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं। मैं अपने बेटे को अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। मम्मा नहीं बेटा, मैं अब आपको नई मम्मा ला के दूंगा। वो मम्मा बहुत पुरानी हो गई है, है ना? कौन? तुम खाना खाओ, मैं देखता हूँ कौन है। कौन? दोपहर को कौन आ गया? ये जरार खान आप हैं? जी जरार खान मैं हूँ। आपके नाम अदालत से समन है और यहाँ साइन करें आप। अदालत से समन? मैंने ऐसा क्या काम कर दिया भाई? आपने कुछ किया या ना किया अदालत जाके ये मालूम करें और यहाँ साइन करें। लाए भाई दें आप। ये पेन ले जाए अपना। शुक्रिया। यहाँ एक मिनट नहीं रहूंगी। तुम मेरी तरह नहीं मानोगी ना तो क्या क्या कर लोगे तुम? देखो देखो तुम ये सब नहीं कर सकती, नहीं जा सकती। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रहूंगी। तुम लोग तो अपनी बीवी को पता नहीं क्या समझते हो, एक जानवर समझते हो। चुप करो, सीखो मत। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सारी बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं सुनूंगी। तुम ये गलत कर रही हो, जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। ये मेरा फैसला है क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। आसिम बहुत हो गया है। हाँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तुम समझने की कोशिश करो, नहीं जा सकती तुम, नहीं जा सकती। प्लीज प्लीज सरी मत जाओ। इट्स टू लेट आसिम, सरी इट्स टू लेट। सुनो सुनो मेरी बात। मैं नहीं रोगी, मैं नहीं रोगी। रुक जाओ। नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। आसिम समझाए इसको। रुक जी, मैं नहीं रुकूंगी। रुको ना, नहीं मैं जा रही हूँ। बीजन समझाए, देखो नहीं जा रहा। रुक जाओ सरी, रुक जाओ बीजन। देखे सर रुक जाओ, अकेले रुके अकेले। नहीं 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 नही